हाँ जी मैंने गैस तो सर जी वो 1 से 34 वाला कर लिया, और यो R22 वाला कर लिया सर जी, और 4 से 10 इतना किया था मैंने। ओके तो VRV RF सिस्टम में R22 डलता है कि नहीं डलता है? PRV सिस्टम ने मैंने नहीं था पाया सर जी, R22 R4 से 10 डाल के डाल अच्छा डालने ऐसे पाए हुआ वाला। हाँ जी छोटे मशीन होते हैं VRV RF के, छोटे कैपेसिटी के वाले मशीन होते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट के हिसाब से उसमें 22 भी डलता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता छोटे लेकिन अच्छा बता दूँ, हाँ कम कैपेसिटी वालों में। और मैं आपसे ये कह रहा था, जैसे आपने डोमेस्टिक एसी के अंदर में स्प्लिट एसी इंस्टॉलेशन के अलावा कैसेट एसी या डक्टेबल यूनिट वगैरह लगाए हैं कभी आपने? हाँ जी लगाया है सर जी। डक्टेबल यूनिट के अंदर में क्या क्या वायरिंग होता है? जीपीएस के सिस्टम पे क्या क्या वायरिंग होता है? डक्टेबल 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 में भी इंडोर में वैसे होता है सर जी, वो फेज न्यूट्रल अर्थ होते हैं और रिमोट रिमोट का भी होते हैं उसमें। हाँ, ओके और हाँ जी, ओके। आपका जो डक्टेबल यूनिट रहता है 3 टन 5 टन से अबव का, या पैकेज यूनिट रहता है ना, उसके अंदर में हाई प्रेशर स्विच लो प्रेशर स्विच का क्या काम होता है? हाई प्रेशर स्विच का सर जी, अब प्रेशर जैसे अधिक जो ताना चाहिए उससे अधिक बड़ी होगा तो हाई प्रेशर उसके हाई प्रेशर स्विच से वो कट ऑफ कर देता है सर जी। लो प्रेशर का भी वैसे जो जो ताना है उसका जो जितना चाहिए उसके बड़ा और नीचे होगा जो लो होगा उसके उसकी भी वो लो वाला कट कर देता है सर जी, यही काम होता है उसको। यानी गैस कम होगी तो लो प्रेशर कट ऑफ कर देगा, और हाई प्रेशर होगी या कंडेंसर ब्लॉक होगा या टेम्परेचर या कंडेंसिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, हाई प्रेशर कट ऑफ कर देगा। हाँ जी, अच्छा एफसी वगैरह के अंदर में जो मान लीजिए आपने देखे होंगे एफसी वगैरह लगाए होंगे, अगर रिटर्न कभी कभार नहीं आता है तो एफसी वगैरह के अंदर में क्या खराब हो जाता है? एफसी का मतलब सर जी, फैन कॉइल यूनिट बोलते हैं ना, डक्टेबल यूनिट का मतलब क्या होता है? डक्ट का मतलब क्या होता है? डक्टेबल यूनिट क्या होता है? डक्टेबल यूनिट था सर जी। अब जो इंडोर रहते उसको सर डॉक डॉक के एक ठाव से और दूसरे जिन जिन ठाव में पुरान आए उस ठाव में पहुंचा देगा वो वाला डॉक। ओके okay. हाँ जब पोगा देते हैं ना, जी कहने का पहुंचा मतलब क्या देते है डॉक। कि है ना, डक्टेबल यूनिट का मतलब ये हुआ कि जिसमें हम फ्रेश एयर के लिए डक्टिंग का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी डक्ट लगा हाँ के हमारी सप्लाई को पहुंचा रहे हैं, उस तरीके के यूनिट डक्टेबल यूनिट कहलाते हैं। अब डक्टेबल यूनिट के अंदर में जो स्लिंग के अंदर में लगते हैं वो कहलाते हैं FCU। क्या कहलाते हैं? फैन कोइल एफसीयू। हाँ जी यूनिट, सर, यस FCU फैन कोइल यूनिट कहलाते हैं। और HU क्या कहलाते हैं? जो फ्लोर पे लगते हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट। हाँ जी, HU जो होते हैं ना वो हैंग नहीं होते हैं, उसको आप हैंग नहीं कर सकते हो, आप वो फ्लोर पे रखे हाँ जाएंगे। एच यू कहता। हाँ जी हाँ, फ्लोर पे रखना पड़ेगा। HU और FCU का अधिकतर उपयोग चिलर प्लांट के अंदर में होता है, लेकिन VRV RF में भी इसका उपयोग होता है। चिलर प्लांट के FCU और ये VRV RF के FCU के अंदर में अंतर क्या होता है, या HU में अंतर क्या होता है? अंतर जो होता है इसके अंदर में मेजर जो डिफरेंस होता है, इसमें चिल वाटर सप्लाई होती है चिलर प्लांट वालों में, और इसमें रेफ्रिजरेंट गैस सप्लाई होती है। वहां पे वाटर सप्लाई वाले पाइप यूज होते हैं जिसमें हम PVC पाइप वगैरह यूज करते हैं, और है ना इसके अंदर में जो यूज होता है वो हमारा कॉपर पाइप यूज होता है। फिटिंग के अंदर में जो VRV RF होता है इसमें फ्लायर और फिटिंग होती है, फ्लायर नट या फिर फिटिंग के माध्यम से किया जाता है ना। हाँ लेकिन जी चिलर्स प्लान वगैरह के FCU एंड HU के अंदर में ब्रास के माध्यम से इंडोर यूनिट कनेक्टेड होते हैं, ब्रास वेल्डिंग के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं। जैसे हाँ आपका जी अगर सप्लाई आ रहा है तो जो लाइन आ रही है सप्लाई लाइन और रिटर्न लाइन, ये क्या है,
ये जीआईवाई पाइप की होती है, जेई की पाइप की होती है, ठीक है ना, जे पाइप होता है। और जब इंडोर से कनेक्टेड करना होता है तो इंडोर यूनिट के अंदर में जो सेक्शन, यानी जिसको अपन सप्लाई और रिटर्न बोल सकते हैं, तो सप्लाई और रिटर्न के जो कनेक्शन होते हैं, जब हम उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर में हमारे को वहां पे जो फिटिंग वगैरह होती है, ब्रास फिटिंग वगैरह, वो करना पड़ता है, ठीक है ना। उसी के अंदर में फ्लैशिंग के लिए वहां पे नोजल वगैरह रहते हैं इस तरीके से। और ऑलमोस्ट काफी जो है पाइप वगैरह हम पीवीसी भी यूज करते हैं एचयू वगैरह के अंदर में, तो इस तरीके से। तो इसमें मेजर डिफरेंस ये रहता है, एचयू और एफसीयू जो रहते हैं चिलर प्लांट वगैरह में, उसमें फैन कॉइल यूनिट रहता है, चिल वाटर सप्लाई होती है, और इसमें जो सर्कुलेशन वगैरह एयर फ्लो का ब्लोअर माध्यम से होता है, और कंट्रोल के लिए पीसीबी वगैरह नहीं रहती है इसके अंदर में ज्यादा। एएचयू में सर जी, हाँ जी, पीसीबी वगैरह ज्यादा नहीं रहती है, जैसा कि हम एयर कंडीशनिंग के जो हमारे दूसरे जैसे डक्टेबल यूनिट के अंदर में देखते हैं, या पैकेज यूनिट में देखते हैं, या वीआरवीआरएफ के एचयू वगैरह में जो वो कंट्रोलिंग देखते हैं ना, वैसा कंट्रोलिंग इसके अंदर में अधिकतर नहीं मिलता है। इसमें सिंपल आपको थर्मोस्टेट वायरिंग मिलेगा और पावर सप्लाई मिलेगा, हाँ थर्मोस्टेट जी वायरिंग मिलेगा और पावर सप्लाई मिलेगा एचयू के लिए, एफसीयू के लिए, और एचयू के लिए भी सेम ऐसा ही है, तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। थ्री पेस का वायरिंग वगैरह किया कभी आपने? हाँ जी किया है सर जी। अच्छा, कोई डर वर तो नहीं लगता है वायरिंग करते वक्त? नहीं नहीं लगता है सर जी, दर थ्री फेज वायरिंग करता हूँ सर जी मैं। अच्छा, अभी तो आप आर्मी में हो तो वहां पे भी कुछ काम पड़ता है क्या आपका? हाँ जी करते, ये वो लाइन बत्ती के लिए मैं ही करता हूँ सर जी वहाँ पे। अच्छा, ओके, बढ़िया, अच्छी बात है। तो नवीन भाई, अभी अपने को ये सीखना है कि डोमेस्टिक स्तर से आपने वीआरवीआरएफ सीख रहे हो, तो थोड़ा उसको भी क्लियर करना जरूरी है ना। हाँ जी, पैकेजेस सी वगैरह कभी आपने देखे हैं? पैकेजेस सी, पैकेज ऐसी देखा तो नहीं है सर जी, अब थोड़ा वीडियो मार्फत थोड़ा थोड़ा ऐसे होता ही वो तो देखा है सर जी, विजुअली देख के ऐसा तो काम तो नहीं किया है सर जी। अच्छा, पैकेजेस सी के अंदर में स्पेशली क्या होता है? पैकेज का मतलब क्या होता है? जिसमें सारी चीजें इंक्लूडिंग हो, कंप्रेसर, कंडेंसर, कूलिंग कोयल, जैसे विंडो एसी में होता है ना वैसे ही, हाँ तो जी विंडो एसी का एक बड़ा रूप पैकेज एसी कहलाता है। समझे? अच्छा, और उसमें फिर जो डक्टिंग वगैरह के माध्यम से सप्लाई और रिटर्न वगैरह की डक्टिंग वगैरह किया जाता है, इस हिसाब से पूरा वो रहता है। रेफ्रिजरेशन, कूलिंग कॉइल, और इस पे कभी आपने काम किया, कोल्ड स्टोरेज वगैरह पर, इन पे? नहीं सर जी नहीं किया है सर जी, कोल्ड स्टोर में नहीं किया है, फ्रिज फ्रिज रिपेयरिंग किया कभी आपने? आपके किया है सर जी। वहां पे फ्रीज चार्ज, फ्रिज में गैस डालने की इतना पैसा लेता है? पैसा सर जी 2500 पैसा लेते हैं लेते सर जी, पैसा 2500, और उसमें और पार्ट लगेगा तो फिर उसमें प्लस हो जाएगा ये। ओके, 2500 रुपये लेते हैं ना, ठीक है। अभी तो ज्यादा लेंगे होगा सर जी, पहले 2500 लेते थे हम लोग, अभी थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं गैप हो गया बीच में, उस टाइम पे 2500 लेते थे हम। एसी में गैस चार्ज करने का कितना लेते हैं? 1.5 टन के एसी में गैस चार्ज करने का क्या फीस लेते हैं? हेलो, हेलो, हाँ जी सर, हाँ क्या कनेक्शन कट गया है क्या आपका? अच्छा जी थोड़ा स्लो हुआ था कि। अच्छा ओके, मैं कह रहा था यार, ये क्या बोलते हैं, अपने को जो वो काम बता रहा था ना मैं आपको, अपना प्लेसमेंट वाला,
वो काम अपने को हकीकत में चालू करना है, सच बता रहा हूँ मैं। उसके लिए है ना पूरी तैयारी, अपने को ऑफिस आना है, इधर ही रखना है, नेपालगंज में ही रखना ऑफिस, क्या है ना, इधर ही रखना है अपने को ऑफिस वगैरह। ऑफिस वगैरह अपन देख लेंगे और साथ के अंदर में अपन इसको काम शुरू कर लेंगे। आपके जो लोग बता रहे थे वो आर्मी वाले हैं क्या सारे? अच्छा, हाँ जी, आर्मी वाले हैं सर जी। आपके रिश्तेदार रिलेटिव्स में मिलने वाले हैं? हाँ जी, अच्छा, ओके। तो उन्होंने पूछा नहीं कि आपको किसने बताया है? मतलब सर जी, उन्होंने पूछा होगा ना भाई, अगर आप काम कर रहे हो तो किनके साथ में मिलके कर रहे हो, आपको किसने बताया जॉब के बारे में, क्या है डिटेल्स? हाँ जी, वो बोल रहे थे, वो लोग क्या है, कैसे बताना पड़ेगा और बीजे कैसे आते हैं, ऐसे ऐसे पूछ रहे थे। और उसके बाद मैंने बोला मैं सब पूछ के आपको बता दूंगा, ऐसे बोला। ओके ओके। तो अपन क्या है कि उनसे अपना कभी उनको साथ में जूम पे जोड़ना है, एक बार जूम पे उनको जोड़ना है। जूम यूज करना आता है उनको? तो पता नहीं सर जी, वो आता होगा नहीं है, वो तो नहीं आता होगा शायद इन लोग को, पता अच्छा, नहीं एक बार जूम पे नहीं। जोड़ोगे तो एक बार क्या है ना, है उनको सिखाओ, बताओ इंटरनेशनल जा रहे हैं वो काम करने के लिए, आउट ऑफ इंडिया क्या, आउट ऑफ कंट्री, तो उनको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि डिजिटल चीजें क्या है क्या नहीं। घर वालों से कैसे बात करें, वो वीडियो वीडियो कॉलिंग पे, घर पे वीडियो कॉलिंग पे बात करते होगे ना, व्हाट्सएप पे क्या? हाँ, वो तो कर लेते हैं सर। आप लोग क्या यूज करते हो उधर, व्हाट्सएप यूज करते हो या मैसेंजर? व्हाट्सएप मैसेंजर दोनों करते हैं सर। ज्यादा मैसेंजर यूज करते होंगे ना? हाँ, ज्यादा मैसेंजर करते हैं। हाँ, अच्छी बात है। और ये जो है ना, मैं अभी 27 नहीं, एंड ऑफ द दिस मंथ, एंड ऑफ दिस मंथ मैं आऊंगा, है ना, एंड ऑफ दिस मंथ। उस टाइम में आप लोग जिनसे भी मीटिंग कराना चाहते हैं मेरी मीटिंग करा देना, मैं उनको सब चीजें समझा दूंगा, पर्सनल फेस ऑफ मीटिंग करवा देना, मैं समझा दूंगा हाँ उनको जी, क्या ठीक इस है सर हिसाब जी। से। तब तक डॉक्यूमेंट कलेक्शन करके मेरे को दे देना, तो मैं उनकी जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से मैच करने वाले कौन कौन से कंट्रीज है, कहाँ कहाँ वो लोग जा सकते हैं, तो एनालिसिस करके सारी चीजों को मैं एक बार देख लूंगा कि जा सकते हैं जा सकते हाँ, वो तो सही है सर। हैं, है ना, पता चल वो लोग जाएगा। तो बोल रहे थे उधर माल्टा के लिए बोल रहे थे, लेकिन माल्टा में भी काम के करना है, वो किचन हेल्पर हो गया है, इससे बोल रहे थे एक आदमी, किचन हेल्पर और पैकिंग वाला है, हेल्पर, देखो ऐसे बोल रहे थे। यार आप नहीं समझ रहे हो, ये देखो क्या बताऊं मैं, देखो ये अभी माल्टा के अंदर में ही है ये बंदा, क्या ये अच्छा, मेरा नेपाल से है स्टूडेंट सर है? जी। हाँ उसको उसको नंबर वंबर है तो मुझे भी भेज देना, मैं उसको वो पूछ लूंगा थोड़ा, क्या है, कैसा है, कहाँ से गया है, ये जाना तो नेपाल से गया होगा, नेपाल से तो है ना सर जी, वो तो माल्टा में गया है अभी। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे नेपाल में स्टूडेंट पिछले 4 साल से हैं हाँ जी, और इसको ट्रेनिंग वेनिंग सब दिया मैंने, अभी 1200 यूरो इसका सैलरी है। अच्छा, हाँ, एक हस्बैंड वाइफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर में है, नेपाल की है। 12 से UES, तब नेपाली कितना हुआ सर जी, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या है कि इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर अपने अपने को क्या दूसरे तीसरों से कोई मतलब नहीं, अपने को अपने काम से मतलब है। 1200 हाँ, वो तो सही इंटू है। हाँ ये लगभग 1.5 लाख समथिंग हुआ नेपाली, 1.5 लाख, इतना तो 70-80 हजार तो हमारे बिहारी गौरव टेक्नीशियन को इधर ही मिल जाएगा गलत नहीं क्या? आपके जो लोग हैं ना उनको बोलो कि आप माल्टा वगैरह पहले कभी किसी कंट्री में थोड़ी गए, वो नहीं गए ना,
नहीं गया सर जी, कंट्री में कहीं नहीं गया। ये जो ये आर्मी में जॉब करते थे लोग, अब उसमें रिटायरमेंट होके अब जाने वाला प्रोसेस में है। अब कहाँ जाना है क्या नहीं लम्सबर्ग जाना के है लिए तो। है, ठीक है, लम्सबर्ग भी बढ़िया है जगह है, माल्टा से बढ़िया लम्सबर्ग है, सैलरी वगैरह भी ज्यादा बढ़िया है। हाँ, और एक्सपेंसेस भी बहुत, मतलब वहां के जो लोकल एक्सपेंसेस है वो भी कम ही है, इतना ज्यादा नहीं है, अच्छा कह रहा हूँ। हो जाएगा उसके अंदर में काम वगैरह, काम का तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास में, इतने सारे कंट्रीज अपॉर्चुनिटीज है काम चालू करने के लिए, मैं इधर ही अटका पड़ा हूँ अभी तक, मेरे को खुद को बाहर प्रोजेक्ट चालू करना पड़ा है। अभी मेरे स्टूडेंट है असमत भाई, उससे मेरा बात हुआ है आज ही, अब वो उसको मैं निकाल रहा हूँ कंट्री, अलग अलग कंट्री प्रोजेक्ट चालू करने के लिए। अच्छा, हाँ, और इंडिया में भी मेरी ब्रांचेस वगैरह हैं, वो सब जगह ओपन करने का चल रहा है, सारा प्लान वगैरह कर रहे हैं, पूरा अभी रूटीन में सारी चीजें आएगी क्या। और आपको क्या है, ये जो वीआरवीआरएफ के अंदर में हम जो पढ़ रहे थे ना टेस्ट ऑपरेशन वगैरह, वो पीडीएफ वगैरह थोड़ी मिला था आपको? टेस्ट ऑपरेशन वाला वीडियो मिला था, लेकिन टेस्ट ऑपरेशन का जो वो वाला था, नहीं, उसमें तो नहीं मिला था सर जी। अब जो आपने जो पढ़ाया वाला था वो वाला नहीं था। जो टेस्ट ऑपरेशन वो लेडीज लेडीज मैम ने बोला था, उसमें वो वाला था सर पढ़ के, उसको व्याख्या वगैरह ऐसे नहीं किया था उसमें। उसको तो व्याख्या करना था सर जी, ऐसे यहाँ होगा। जैसे जैसे आपने जो थर्मिस्टेट को किया है ना सर जी, उसको इंडोर का, वैसे नहीं है पूरा ना, उस पे है ना, मैं यूट्यूब चैनल पे भी था ना वीडियो अच्छा। यूट्यूब है। चैनल भी मैंने नहीं देखा, यूट्यूब चैनल पे एक बार देख। सारा कंपनी का अलग अलग होते हैं ना सर जी इसका? अच्छा, हाँ, सबका अलग अलग होता है। वो तो फिर पढ़ाना पड़ेगा सर जी। अरे यार, वो क्या, मैं अभी थोड़ा बिजी था, मैं अभी मेरा स्टाफ वगैरह को कल परसों लगा के करवाता हूँ मैं क्या। ठीक। और लोग नहीं आएगा सर जी आज? टाइम नहीं हाँ, आएगा उन लोग को, टाइम नहीं होगा। सब जॉब जॉब करते हैं वो लोग। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, तुम देखना, आपको शेयर कराऊंगा ये चैनल पे, ये चैनल अभी आपको दिख रहा है YouTube, हाँ जी, देख रहे हैं। ये दोनों वीडियो मेरे ही हैं, वीआरवी कमिशनिंग और टेस्ट ऑपरेशन इन हिंदी, डेक्कन वीआरवी टेस्ट ऑपरेशन एंड एड्रेसिंग इन हिंदी क्या, अच्छा, ये दोनों वीडियो आप देखना। वैसे मैं इसको एप्लीकेशन पे डाल दूंगा, ये डेक्कन वीआरवी टेस्ट ऑपरेशन ये देखा होगा आपने। हाँ देखा था सर जी, कौन तो देखा था मैंने। वो देखना, मैं क्या एक्चुअली यार वो उन लोगों को मैंने अभी कनेक्ट नहीं किया था, वो लोग 9 बजे कनेक्ट होंगे, 9 बजे नहीं 8:30 बजे कनेक्ट होंगे। मैंने आधे घंटे की क्लास अभी आपके लिए लिया, आधे घंटे बाद अभी उन लोगों का क्लास लूंगा मैं, फिर 9 बजे बाद पुराने स्टूडेंट उनका क्लास लूंगा मैं, अच्छा, खाना वाना हो गया आपका? हाँ जी, हो गया सर जी खाना। तो निवेन भाई, मैं थोड़ी देर में आपसे बात करूं? व्हाट्सएप में सर जी? हाँ, व्हाट्सएप में कॉलिंग पे है ना, ठीक है सर जी, ठीक है। तो ठीक है, बाद में ही कर लूंगा यार, कुछ देखना था मुझे, बाद में देख लूंगा। अच्छा, हाँ, कोई देख दो, क्या स्टाफ का मैसेज वगैरह आया था अभी क्या, वो काम कर रहे हैं ना, काम वगैरह समझाने का रहता है इसलिए। तो ये वीडियो आप देखना टेस्ट ऑपरेशन के, वो जो मैंने आपको बताया ना वो वीडियो अगर आप देखना, वैसे तो मैं एप्लीकेशन पे डाल दूंगा उनको देखने के लिए, देख लेना एक बार। हाँ ठीक है सर जी।
आपके घर पे कितने मेंबर है, भाई बहन कितने हो आप? एक भाई भाई है और एक बहन है। अच्छा, एक भाई। आप छोटे हो बड़े हो घर में? अच्छा, मैं बड़ा हूँ सर जी, अब बड़े वाला। हाँ जी बड़े हो आप। जी अच्छा, बढ़िया है। अच्छा, और पापा जी क्या करते हैं आपके? पापा जी कुछ नहीं करते हैं सर जी, अभी ये मिस्त्री काम करते थे, घर बनाने के ऐसे मिस्त्री काम करते थे, अभी इधर ही है। हाँ, अच्छा, हाँ जी मकान बनाने का काम करते हैं ना। हाँ जी मकान का मतलब घर घर। हाँ जी हाँ हाँ तो घर मकान है कि हाँ जी घर घर। वहां हाँ जी पे मकान कारीगर को क्या सैलरी मिलता है पर डे का? पर डे 1,000 पैसे मिलते सर जी। 1,000 रुपये? हाँ जी अच्छा, बढ़िया है। ठीक है ठीक है, वे क्या भेज लेते हैं क्या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह? हाँ थोड़ा कभी कभी लेते, नहीं तो ऐसे करते। बेसिक है ना। हाँ जी अच्छा, ओके। खेती बाड़ी है नहीं है आपकी? खेती बाड़ी है नहीं सर जी। धान वान बाते हो? हाँ जी अच्छा, खेतों में सब्जी वब्जी बाते हो? हाँ सब्जी वब्जी होती, साग बेड़ा ऐसा। अच्छा, हमारे हाँ जी भी खेतों में काम होता है यार, कभी कभी जाते रहते हैं। हाँ वीआरएफ में अभी ऑलमोस्ट क्या है, जैसे बहुत सारे जो इंडिया का, वो अभी कल मैंने बिजनेस ओनर लोगों का मेरा ट्रेनिंग था, आपने देखा होगा वीडियो। तो हाँ ऑलमोस्ट जी क्या है, देखा है। वीआरएफ का ऐसे ही सेम नेपाल में। नेपाल में तो और भी ज्यादा दिक्कत है, पता है? नेपाल के अंदर हाँ। में बिजनेस ओनर जितने भी लोग हैं ना, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत है, काम नहीं आता है। तो हाँ वो तो सही है सर जी। नेपाल के अंदर में जो बिजनेस ओनर लोग हैं ना, बिजनेस ओनर मतलब जो बिजनेस जिनकी अपनी कंपनियां हैं, ऐसे लोग हमारे पास में बहुत हैं। बहुत सारे लोग हैं नेपाल के जो बिजनेस ओनर है, हाँ जी उनको ट्रेनिंग देने का काम भी चालू करना है। देख रहा हूँ ये सारे सारे ये नेपाल बिजनेस ओनर वाले, सब के सब नेपाल बिजनेस ओनर वाले सब लोग हैं। लगभग 80-90 लोग हैं जो बिजनेस ओनर हैं, सारे नेपाल के सब कनेक्टेड हैं, उनको भी ट्रेनिंग देना है। उस टाइम पे मैंने फीस ज्यादा रख रखा था, 40,000 रुपये नेपाली मनी, अच्छा 40,000 रख रखा था। अभी तो कितना रख रखा मैंने, अभी तो कुछ भी नहीं है। जैसे 5-10 हज़ार रुपये रख रखा है, 5-10 हज़ार रुपये अभी रखा मैंने। मैंने कभी इतना कम किया नहीं है, मैंने फर्स्ट टाइम रखा है। और आपका पैसा भी वो शंभू लेके गया। उसको बोला मैंने, वो खा गया, वो आपका भी खा गया, एक चितवन का था उसका भी खा गया वो, और मेरे 65,000 रुपये भी खा गया वो। 65,000 और भेजा था वो भी खा गया वो, मैंने किसी को देने के लिए भेजा था वो भी खा गया वो। तभी तो विश्वास उड़ जाता है यार, फिर क्या, विश्वास उड़ जाता है यार, क्या करें। ये जाता देखो, ये 63,700 रुपये भेजा था मैंने उसको, किसी को देना है। अच्छा था, 12 तारीख को भेजा था मैंने किसी को देने के लिए कि यार इसको दे देना। हाँ जी उसने वो पैसा दिया नहीं उसको, और फिर जब मैंने उससे वापस मांगा तो बोला कि घर पे बैंक वाले आए थे, परेशान कर रहे थे, तो मैंने उनको दे दिया। अब यार बताओ कैसे विश्वास करें यार, आप बताओ। मैंने मतलब मैं मेरा ना मतलब ये हो गया कि यार, अब सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा इस चीजों को इतना विश्वास वाला, इतने टाइम से मेरे से कम्युनिकेशन में है सब चीजें। मजबूरी का मतलब क्या होता है यार? मजबूरी तो हर इंसान की जिंदगी में चलती है, इसका मतलब किसी के साथ चीटिंग करेगा क्या कोई भी? ऐसे थोड़ी होता है यार। अभी मैंने आज उसको बोल दिया था, मैंने उसका कनाडा का वीजा लग गया था, कनाडा के लिए वीजा, ठीक है, कनाडा के लिए वीजा लग गया। मैंने बोला पैसा दे, मेरा नहीं दे रहा है तो तेरा वीजा कैंसिल कर रहा हूँ मैंने उसको बोल दिया था, मैंने बोला पैसा दे नहीं तो तेरा वीजा कैंसिल कर रहा हूँ मैं। उसके बावजूद भी
बोलता है पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे करके। मैंने बोला यार छोड़ हटा, आप क्या बोल सकते हैं इसको। ऐसे ही है, पशुपतिनाथ की कसम खा रहा है, माता जी की कसम खा रहा है, पता नहीं किस किस की कसम खा रहा है। मैसेज लिख लिख के दे दूंगा आपको वापिस। चलो ठीक है यार, इसी लोग। मैंने तो अभी सच बता रहा हूँ, मैंने तो बिल्कुल आना, मेरे को इस काम में, मैं तो मतलब काम करना एक नंबर का काम करना, मैं अब किसी के भी विश्वास से काम नहीं करना। मेरे को जो फैक्ट लगता है ठीक है उस पर काम करना, नहीं तो करना ही नहीं, काम ही नहीं करना है, कोई मतलब नहीं है। तो हाँ सही है सर। हाँ ब्रदर आप ये वीडियोस देखो ठीक है ना, ये टेस्ट ऑपरेशन वाले वीडियोस दे तुम देख लो, आपके पास टाइम हो तो अभी देख लो, फिर अपन हो सकता है तुम 9 बजे वाली या 9:30 बजे वाली में वापिस करें, अगर टाइम हो तो हो जाना कनेक्ट, कोई दिक्कत ठीक है सर जी, मैं नहीं है तो कोई होऊंगा दिक्कत नहीं है ना। 9:30। हाँ 9:15, नहीं 9 बजे समथिंग होगा अच्छा, ठीक, है ना, ठीक है ना उधर। ठीक है सर जी, ठीक है।